विधानसभा में शराब न पीने की शपथ लेने वाली बिहार की नीतीश सरकार ने शराब को पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। बिहार में 5 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लग गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब की खरीद और बिक्री पर पाबंदी कर दी गई है। गौर हो कि देशी शराब की खरीद और बिक्री पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई थी। इस फैसले के बाद अब बिहार में किसी भी तरह की शराब की बिक्री पूर्णतः बंद हो जाएगी। स्वच्छ वातावरण बना है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा चुकी है बिहार में। तो पिछले 1 अप्रैल से हम लोगों ने एक चीज और महसूस किया कि जब देसी और मसालेदार शराब को बंद किया और इसका एक जबरदस्त वातावरण बना, तो अभी जो पहले फेज में नगर निगम और नगर परिषद के शहरों में विदेशी शराब की सीमित दुकानों को बिवरेजेज कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित करना था, तो ये देखा गया कि कई स्थानों पर जब विदेशी शराब की दुकान या उसका रिटेल शॉप खोल रहे थे तो लोगों ने विरोध किया, महिलाओं ने, और कई स्थान पर खुलने नहीं दिया। तो ये तो एक जबरदस्त वातावरण बन चुका है। हम लोग चाहते थे कि जो वातावरण बने वो वातावरण बन चुका, इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जो दूसरे फेज में विदेशी शराब को बंद करना था, 4 दिन का ही अनुभव ऐसा है कि पूरे बिहार का एक वातावरण इतना अनुकूल बन चुका है शराबबंदी के कि अब हम लोगों ने आज से यह निर्णय किया है कि अब आज से तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब भी बंद। कैबिनेट के इस फैसले के बाद किसी भी होटल या बार में शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही किसी को लाइसेंस दिया जाएगा। गौरतलब हो कि इस फैसले के बाद बिहार अब देश का 4था राज्य हो गया जहां शराब बेचना और खरीदना पूरी तरह से बंद है। गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है। बता दें कि नीतीश कुमार ने चुनावी घोषणा पत्र में शराब पर पाबंदी लगाने की बात कही थी और चुनाव जीतने के बाद भी इसे लेकर अपना रुख साफ किया था।